दसवां, फिर चालीसवां। छोटे साहब कुल मिला के कितने हो गए? ये कुल मिला के कोई लाख डेढ़ लाख तो बन जाता। ओए ऐसा कभी ना करना, कोई अकल करो। नहीं नहीं ठीक है, मैं जिंदा ही ठीक हूँ, मैं जिंदा ही ठीक हूँ, मैं जिंदा ही ठीक हूँ, मैं जिंदा ही ठीक हूँ। आ जाएगी ना सना, गया भाई वो। मैडम लाइट आई? नहीं। आप आई? नहीं फ्रेंड्स, आई 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 है, आ गई है, आ गई है। अच्छा बात है, कार अच्छे तरीके से ना कस के बांध दीजिए, तो मेरे बाएं हाथ का काम है। फिर चली गई है। से डाला था, अब मुझे क्या पता था जिस सीढ़ी पे मैं खड़ा हूँ वो लोहे की है। अच्छा खैर, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं कुंडा डालते हुए? नहीं मैडम, कुंडा डालते हुए तो किसी ने नहीं देखा, वो तार से चिमटे हुए कई लोगों ने देखा। अगर तुम्हें तार से चिमटे हुए लोगों ने देखा तो किसी ने तुम्हें बचाया क्यों नहीं फ्रेंड्स? बात अच्छे, बचाने वाला खुद मर जाता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि साथ वाले घर की लकड़ी की खिड़की थी, उससे मेरा पांव टकराया, मैं बच गया, वरना परसों मेरे कुल हो जाने थे बिल्कुल। हमारी किस्मत खराब है, कभी हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है जी। अच्छा खैर एनीवे, सना तुम पूरे ऑफिस की लाइट्स ऑन कर दो, बाहर गेट तक इलेक्ट्रिक हीटर निकालो, हर कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर लगाओ, इलेक्ट्रिक केटल निकालो, जितना भी बिजली का सामान है। शुक्र है अब हमारी बिलों से जान छूट गई, अब हम बिजली खुले आम इस्तेमाल करें। मैडम मैं घर से वो कपड़े धोने वाली मशीन ले आऊं, कपड़े भी यहाँ धो के चला जाया करूंगा। वेरी गुड मैडम, एक 50 दरम अनहद कर दीजिए, दो जलेबी खा लिए, करंट लगा। तेन शर्म नहीं आती? भुखा जहा ना हो ते फकीर हर वेले मंगता रहना। हेलो, वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे करंट लगा मुझे बड़ी जोर से। अच्छा जी बोल रही हूँ। अच्छा ये तो बड़े कमाल की बात है, मुझे तो नहीं बताया शबी साहब ने। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मैडम, खैरियत तो थी ना? क्यों तुम बड़ी इंक्वायरी करती हो मेरी? नहीं मैडम, वो बस वैसे ही पूछ रही थी। वो शफी साहब का पीए था, वो कह रहा कि शफी साहब ने कोई नई सेक्रेटरी रख ली है, बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा? नहीं नहीं, मैं उसे जानता हूँ, वो एक नंबर की फ्रॉडन है आपके नाम। बहुत अच्छी है। हमीदा क्या बात है, लो बीबी जी अब तो आप खुश है ना, ची भर के बिजली इस्तेमाल करें, अब तो आपकी मजा ही मजा। थैंक यू हमीदा, तुम्हें पता कि शफी जब आएंगे ना तो कितने खुश होंगे कि वो जो हर महीने 10-15 हज़ार रुपए हम फजूल में देते थे ना, उसकी बचत हो जाएगी और उन पैसों से मैं नए नए जोड़े खरीदूंगी। बाजी वो मुझे 200 रुपया दे दे। 200? क्यों? वो बीबी जी मैंने ना 1600 रुपए जोड़ के रखे हुए हैं, 200 रुपए आप दे देंगे मेरे पास 1800 रुपए आ जाएंगे, 1800 रुपए में मैं सस्ता सा 2 सिम वाला मोबाइल खरीद लूंगी। मासद के जाए, ये 2 सिमों वाला मोबाइल आपने करना क्या? एक सिम सुनने के लिए और एक सिम करने के लिए। गरीब आदमी इसी तरह ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं भाई, दोनों काम एक सिम से भी तो लिए जा सकते हैं। हाय बीबी जी, सिमें कौन सी महंगी आ रही है, हर जगह से 25-25 रुपए की सिम मिल जाती है, और तो और हमारे मोहल्ले में पुराने कपड़े और छान बुरे से भी सिम मिल जाती है। क्या? हाँ सर, ये मोहब्बत आखिर है क्या? हाय क्या सवाल कर दिया, ये जो मोहब्बत है ना, ये एक समुंदर है, दरिया है, नहर है, छप्पड़ है, मेरा मतलब है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्या है। सर आपने कभी मोहब्बत की? हाँ मैंने यूनिवर्सिटी के जमाने में एक लड़की को प्रपोज किया था, उसने तो बदतमीजी से मुंह पाड़ के जवाब ही दे दिया मुझे। सर अब वो कहाँ है?
वो जी अपने शौहर और कोई 5-6 बच्चों के साथ अल्लाह झूठ ना बुलाए लंदन में रहती है। सर मैंने सुना है शादीशुदा मर्दों की लंबी उम्रें होती हैं। हाय हाय कहाँ लंबी होती हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि उनकी उम्रें लंबी। मैं बगैर परमिशन के अंदर आ गया। आए समझ आए ना समझ आए बैठे उठो ही। ये कौन है? ये अब ये मेरी सेक्रेटरी है अनीता। अच्छा तो फिर ऐसे करो कि जाओ और किसी को मेरे लिए चाय का कहो। एक्सक्यूज मी, मैं सेक्रेटरी हूँ चपरासी नहीं जो आपके लिए चाय का कहूँ। सर ये खातून कौन है? खातून देखनी है दस्ता देखो मैं चुन्नी का की ना होते। हेलो तमीज के साथ। हाँ तुम खातून नहीं हो तो क्या बेबी हो? मैं ना इसको चपेट लगा दूंगी जो भी आपकी सेक्सी है, समझा ले इसको आप। तुम बाहर जाओ ना जाके वो देखो कि फैक्स आई है कि नहीं हेड ऑफिस से प्लीज। ओके शाबाश। सभी साहब आप इसको इतना ज्यादा प्लीज प्लीज क्यों कह रहे हैं? वो असल में ना असल नकल में छोड़े आप इसको। आप इसको बुलाएं और इसको बताएं कि मैं कौन हूँ, ये बताएं कि मैं आपकी कौन हूँ। हाँ हाँ जरूर मैं किसी वक्त इसको बताऊंगा कि आप मेरी कौन है। ये बताएं कि इस वक्त कैसे आना हुआ? क्यों मैं आपके दफ्तर में किसी काम के बगैर नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये दफ्तर आप ही का है। ये बताएं कि आप क्या पिएंगी, मैं क्या मंगवाऊं? बस रहने दें आप, आपकी सेक्रेटरी ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया बिल्कुल। और चले छोड़े भी ना, अब बालड़ी है बच्ची है मसूस। जब आप अपनी आंखों का इलाज करा आपको ये बच्ची लग रही है, इतना ज्यादा उसने मेकअप किया हुआ, ऊपर से उसने वो बेबी कट कटाया हुआ है इसलिए वो बेबी लग रही है। मेकअप उतारे ना तो नीचे से प्रिंस लगेगी। चले अब मेरा दिल तो उसकी तरफ से खट्टा ना करे, आपने तो मेरा दिल ही चढ़ा दिया है। ये मिस साइमा कौन है? ये शफी साहब की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? वो गर्ल है? आपको कोई एतराज? मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या काम करती है। मैं बताती हूँ, मिस साइमा की एक एनजीओ है। ओ तो फंड रेजिंग प्रोग्राम है अब समझी। लेकिन ये यहाँ आती क्यों है? आप कुछ नहीं समझी, आई होंगी यहाँ कोई चेक वगैरह लेने। हाँ जी और साहब उनकी कोई बात टालते नहीं है। अच्छा मुझे जाने दे, मेरा पेट छोड़ दे। तेरा कसूर नहीं, तुझे तो बेटे आज मैं तवे पे लिटा के तेरा टक 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 बनाऊंगा। ये कौन है शक्कर? ये शक्ल इंसाना और करतूत बांधना एक खंबे से कुंडा लगा के डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहा था। ये मेरा कोई कसूर नहीं, मैडम का ऑर्डर था, अगर मैं उनका हुक्म ना मानता तो मेरी नौकरी से छुट्टी हो जानी थी। बेटे उस दफ्तर में एक तू ही अध पचेदा मर्द है और ये काम मर्द कर सकता है, कोई औरत कुंडा नहीं डाल सकती, वो सिर्फ घर का कुंडा लगाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती बिजली चोरी करते हुए? देखो किसी की बहन, मुझे नहीं पता इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ऑर्डर था मैडम का, मैं मुलाजिम हुआ। शक्कर इसकी मैडम को भी पकड़ना था ना, वो कहाँ है? वहाँ ककल ले जाए मार देती है। इसकी मैडम को तो आज तक शफी साहब आदमी लगा सके, मेरी क्या मजाल है। शफी साहब हैं जी। बात सुनो तुम्हारी मैडम का क्या नाम है? ये कौन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बिल्ली? अच्छा है बिल्ली, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मैडम का नाम साइमा। ये जो साइमा नामी खातून अंदर बैठी हुई है कहीं वो इसकी मैडम तो नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% वही है। ओह तो अब समझी, अब मजा आएगा। बाकी ये कौन है हम्प्टी डम्प्टी? शट अप, चलो इसको शफी साहब के कमरे में लेके चलो। कमान चल, ये औरतें मोहल्ले में की बेटी है। अच्छा खाती है चल बेटे, तेरा बलि चढ़ने का वक्त आ गया। बलि? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। वो हया कर बेशरम आदमी, तेरी उम्र के लोग रिटायर होके पेंशन ले रहे, तू शादियां करता मेरा और तो सही तरह। कांग्रेस जिम्मेदारी हमें सौंपी है, ये रेजोल्यूशन सबकी मदद करे। नीता आओ बैठो बैठो बैठो, खैरियत तो है? बिल्कुल नहीं सर, ये आपकी मिस साइमा आखिर है क्या चीज, खुद ही देख लीजिए। क्या मतलब? कमीना मैंने मारना मैडम, मैंने मेरी जान दे। तुम
इस मनहूस को कहाँ से पकड़ लाया? कल इसने ऐसी दलील अर्कन की, आप सुनेंगे तो आपके पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी। ये खम्बे पे चोरी का कुंडा डाल के बिजली चोरी कर रहा है, इनका सारा दफ्तर चोरी की बिजली पे चल रहा है। क्या क्या दफ्तर शफी साहब, ये झूठ बोल रहा है और हमें बदनाम करने की ये कोई साजिश है। हमें से क्या मुराद है आपकी? हमें से मेरा मतलब है कि मेरे दफ्तर में मैं हूँ, प्रिंसेस सना है, तो हम सबको, और वैसे भी आप बताएं कि मुझे बिजली चोरी करने की क्या जरूरत है? मोहतरमा, जरूरत हो या ना हो, पैसे तो बचते हैं ना, किसी को क्या पड़ी है कि आपके दफ्तर की तार डायरेक्ट लाइन पे लगा दे। तुम तो चुप ही करो, मैं आपको बता रही हूँ शफी साहब, ये थत्ता जो है बिल्कुल झूठ बोल रहा है और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो प्रिंस जी, खाला जी का वाला, अभी थोड़ी देर में पीटीवी न्यूज वाले आएंगे, वो इसे चोरी का इंटरव्यू करेंगे, इसकी फोटो छपेगी तलाश है गुमशुदा। ओए तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, और कई वाकई मीडिया वालों को तो नहीं बताया कुछ? नहीं कुछ बताए ना बताए, ये बात खुशबू की तरह फैल जाती है थाने दाया। शट अप शफी साहब, प्लीज खुदा के वास्ते कुछ करें। करना क्या है, इन दोनों के खिलाफ बिजली चोरी का केस बनाए। मेरी सही है, इस मतलब आप गवाह बन जाऊंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये तो वही बात है कि अब दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता। चुप बेकार डाया मनु, शक्ल वाला ना होते मूना मथा दे जिन पालो लथा। आपको कह रही शराब, ओए कब से डाला हुआ कुंडा तुमने? सर सुबह जब मैं ऑफिस आया तो मैं कुंडा लगा के आया। मैं बिजली के कुंडे की बात कर रहा हूँ। पंद्रह मिनट पहले सर। 15 मिनट पहले? जी सर। वो चलो फिर तो ठीक है, वो पुराना वाकया नहीं है। जी सर। भाई कितनी बिजली इसने खर्च कर ली होगी? Exactly. वो 20 यूनिट या 25 यूनिट और क्या। लेकिन सर चोरी तो चोरी होती है, अगर इस दफा इनको सजा ना दी गई तो नेक्स्ट टाइम भी ये ऐसा ही करेंगे। और तू तो चुप कर, बड़ी आई मशवरे देने वाली माई। नहीं मैं क्या चुप करा, मैं किसी को डरनी हूँ। दोनों तरफ है आज बराबर हुई। यानी यार एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, आई एम शफकत चौहान स्पीकिंग। है मैं मर गया, वो खुदा का नाम है, रुक जाओ दो मिनट ठहरे, मुझे बात करने दे। आपको पता है ना, एक मिनट एक्सक्यूज मी सर, बड़ी होलनाक खबर है। आपको खैर की खबर सुनाई है, वैसे उम्मीद कम ही है तुमसे। ऐसे करें आप पानी मंगवा के पी लें पहले। I'm perfectly all right, मैं चाय पी रहा हूँ, जल्दी बता क्या बात है। नहीं मेरा ख्याल है आप पानी पी लें, ये ना पानी पीते मैं खबर सुनाऊँ आपको उछल लग जाए, फिर मैं कहता फिर खुले खुले आचिया। ओ शट अप, जल्दी बता क्या बात है। आपके घर बिजली चोरी का कुंडा पकड़ा गया। इसे लाख कुंडी में खड़का सोनिया सीता दरिया। हमारे घर में तो बिजली कुंडे से नहीं चलती। दीदी आप सही फरमा रहे सर, वो आज ही बेगम साहिबा ने चोरी का कुंडा जलवाया था और आज ही छापा पड़ गया। और जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। शफी साहब आप बिल्कुल परेशान ना हो, ना घबराए, देखिए आप हमारी बात पे पर्दा डालें, हम आपकी बात पे पर्दा डालें। आई थिंक सर ये डील बिल्कुल ठीक है, छापे वालों को मैं संभालूंगा, इस मनोज प्रिंस का क्या करना है? और करना क्या है बस, अब इनको जाने दो। आज खुशियां दे नाल मैनू चल के दे, चले तहां जा यहां से। तू भी चले, आप भी तू भी। सामा जी, आप बिल्कुल आराम से जाएं, सुकून से अपने काम करें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये बैठ के चाय पीती हूं। तेरा पता सग सन सरसा गा पा माथा पा।